हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम बाद मैं पिके कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये कार्ड हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी और जो लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, मैं उनको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी मैं बता रही हूँ कि मेरे चैनल पे व्यूअरशिप दोनों तरह की है। कुछ फॉरेन के क्लाइंट्स भी हैं, कुछ साउथ के क्लाइंट्स भी हैं, तो सबको प्योर हिंदी नहीं समझ में आती है, इसलिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स का। अभी कुछ साउथ के क्लाइंट्स बोल रहे हैं कि आप हम प्योर इंग्लिश में बनाएं, वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये चैनल जो है ये दोनों तरह के व्यूअर्स के लिए, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना सिंपल रखा जाए लैंग्वेज को ताकि आप लोगों को समझ आए। तो आज की जो पिके कार्ड रीडिंग है वो है कि अगले 3 मंथ्स में हमारे करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कैसा करियर आपको चूज़ करना चाहिए, करंट करियर में क्या ग्रोथ लिखी है और जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसका क्या इफेक्ट रहेगा, कैसे आप अपने करियर को आगे मोड़ कर, मतलब ऑल डिटेल्स अबाउट योर करियर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 तरह के कार्ड यूज़ करे हैं, तो आप जिस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो कार्ड का डेक आप चूज़ कर लीजिए, वो पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल 1 है एडवांस कार्ड्स का, पाइल 2 है गिलगिट का, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको स्क्रॉल करके टैली कर सकते हैं। कई बार हमारे लिए टाइमिंग देना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने इसको सिंपल बना दिया। दोनों अलग अलग तरह के डेक यूज़ करें हैं, तो आप लोग स्क्रॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि दूसरा कार्ड कब शुरू हो रहा है। तो चलिए अब हम देखेंगे पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट करा है उनके करियर प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले 3 मंथ्स में, यानी कि जून जुलाई अगस्त में कैसे रहने वाले हैं। हाँ, लेकिन मैं ये टाइमलेस बना रही हूँ। अगर मान लीजिए आप इस साल नहीं या कभी भी इस वीडियो को देखते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली मन में सोचिए, आंख बंद करिए और जिस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली आगे के 3 मंथ्स आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है। तो अगर हम 1 by 1 कार्ड्स को स्टडी करें, ये कार्ड हमको ये दिखा रहा है कि आप अभी एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां आपका करियर स्टैग्नेंट हो गया है, इनफैक्ट थोड़ा सा आप डाउनफॉल फील कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी करियर में हैं, कोई शॉप है आपका या कोई बिजनेस है या कोई जॉब है, कहीं ना कहीं आपका डिडक्शन सैलरी में हो रहा है या बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहा है या काम अभी आपका बंद पड़ा है। अगर आप कुछ शुरू करने का सोच रहे थे तो वो अभी स्टैग्नेंट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपका लाइफ रुक सा गया है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए किसी का सलून का बिजनेस है और इस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली या नॉर्मल भी अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस बंद पड़ा है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, तो आपको इस समय बिल्कुल स्टेगनेंसी फील हो रही है करियर में और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये शुरू कैसे होगा या मैं इससे उभरूंगा कैसे। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके एम्बिशंस बहुत हाई हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हाई हैं, मे बी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी लोन्स हैं जो आपने चुकाने हैं या जो भी चीज़ें हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं जिसके लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी, मतलब आपको पैसे की ज़रूरत है और काफ़ी है, और इतना ही नहीं आपको अपनी इच्छाएँ भी पूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बहुत बॉदर कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा से भी जुड़ा है। बट ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अप्स एंड डाउन्स हैं आपके करियर में, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टेबल आना शुरू हो जाएगा। आपका पहले भी कहीं ना कहीं ग्राफ ऐसा रहा होगा कि कभी अप्स होते हैं कभी डाउन्स होते हैं, और ये अगेन ये कार्ड मुझे कन्फ्यूज़न शो कर रहा है, ये डिप्रेशन शो कर रहा है कि इस समय आप हिम्मत हार चुके हैं। बट यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा कार्ड नज़र आ रहा है जो ये शो कर रहा है कि अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाइए, अगर हो सके तो आप थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन करिए, काम हो जाइए, ये चीज़ों को जस्ट लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए ना, मतलब 4-5 दिन के लिए, कि अब जो होगा देखा जाएगा, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और फिर जब आप थोड़ा शांत होंगे तो आपको कुछ आइडियाज़ क्लिक करेंगे। मे बी आपको ज़रूरत है अपने लाइन को थोड़ा चेंज करने के लिए और कहीं ना कहीं आप रिजिड हो रहे हैं,
आप अपनी लाइन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, या मैंने ये चीज़ करी है, इसमें मैंने बहुत टाइम दिया है तो मैं कैसे चेंज कर लूँ, ये चीजें ब्लॉकेजेस ला रही हैं आपकी लाइफ में। अब वक्त आ गया है कि आप कुछ लोगों के साथ जुड़ें और टीम में काम करें या पार्टनरशिप में काम करें या किसी की हेल्प लेके काम करें जो कि आपके बिजनेस या जॉब को फ्लरिश करेगा। अगर नौकरी में है तो दूसरी जॉब देखना शुरू करेंगे तो जल्दी आपको विद इन 2-3 मंथ्स मिल जाएगा। आने वाले 3 मंथ्स में अगर आप इस सिचुएशन से अपने को उभार लेते हैं जो कि स्ट्रेसफुल और माइंड के चारों तरफ ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट करी हुई हैं कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए, क्योंकि कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसा सोचेंगे वैसी एनर्जी आपकी अट्रैक्ट होती है। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कंटिन्यूसली सोचे जाएंगे तो बेसिकली आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। उनको एनर्जी देना बंद करिए, नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा आप थोड़ा नॉर्मल हो जाइए ताकि जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो आपका माइंड जब ओपन होगा, शांत होगा, जगह होगी तो वो आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अगले 3 मंथ्स में अगर आप अपना कुछ काम करते हैं, कोई क्रिएटिव लाइन में जाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लोगों की भी ज़रूरत है और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, मे बी ऑनलाइन वर्क अगर आप कुछ करते हैं, वो काम आपका बहुत फ्लरिश होगा। सन का कार्ड आया है तो ये फेम एंड सक्सेस को भी डिनोट करता है और ये साथ में ना ऑनलाइन बिजनेस को भी डिनोट करता है, मतलब ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह पे अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं तो वो आया है। ये आपका 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है जो कि ये शो करता है कि मनी आपके पास आएगा लेकिन हेल्प से आएगा और लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको नए आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को, क्योंकि अगर आप डिप्रेस स्टेट में बैठे रहेंगे और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लिखी हैं उसकी तरफ पीट करके भी बैठे रहेंगे और सिर्फ उसको देखते रहेंगे जो चीज़ आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही है, तो आप उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं खो देंगे जो आपकी लाइफ में आना लिखा है। तो अभी के सिचुएशन से इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, मेडिटेशन करके दिमाग को शांत करना होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्शन में डालना होगा, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब तक आप कोई भी चीज़ को एक्शन में नहीं डालते हैं तब तक वो सिर्फ शिक्षिंदी की खिचड़ी बन जाती है। तो अपने माइंड की डिप्रेस स्टेट से बाहर आइए, वो आप ही को आना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। आप आए अपने स्टेट मतलब माइंड के स्टेट से बाहर और देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए रखी हुई हैं और कितनी खूबसूरत आपकी लाइफ एंड करियर प्रॉस्पेक्ट्स होने वाले हैं। यहाँ अगर लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह के करियर को वो चूज़ करें तो क्रिएटिव कम्युनिकेशन ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पे उनको ज़्यादा सूट करेगा। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट एंड रीशेयर करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, tarot_reader_monica के लिए मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं कई बार लाइव रीडिंग्स देती हूँ। अब हम पाइल 2 पे मूव ऑन करेंगे। पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मोटिवेशन कोर्स भी डालती हूँ तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, देखिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही हैं, आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके पास मल्टी स्किल्स हैं, लेकिन आप इस समय ऐसे मोड में हैं कि आप ना बिल्कुल कुछ चीज़ यूनिवर्स आपको दे रही है मगर आप बिल्कुल ब्लॉक बैठे हैं, जो चीज़ आपको मिल रही है उससे आप खुश नहीं हैं, अपनी लाइफ को लेकर डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक बिल्कुल ब्लॉक माइंड में है, कहीं ना कहीं एक ईगो या स्टबननेस हम कह सकते हैं चीज़ों को लेकर आपकी हो रही है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आप पे काबू हो रहे हैं। देखिए ये कार्ड ना बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, हमारा जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, सोल है, वो हमारी मालिक है, शरीर हमारा व्हीकल है और माइंड हमारा सारथी है। होना क्या चाहिए कि जो हमारी सोल है यानी कि जो हमारी मालिक है, मतलब जो मालिक होता है उसके अकॉर्डिंगली नौकर को या ड्राइवर को चलना चाहिए और ड्राइवर व्हीकल को वहीं लेके जाए जहाँ मालिक बोले, लेकिन होता क्या है
कि चल रहा है ड्राइवर, मालिक सो रहा है बैठ के, यानी कि आत्मा सो रही है, आत्मा की आवाज़ आ रही है जो हमें पसंद है, जो सबकॉन्शियस माइंड से, वो हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको हमने सुला दिया है। और माइंड यानी कि मन विचलित होता है, इधर उधर चलायमान होते हैं, जहाँ हमें चाहता है वहाँ हम हमारे शरीर को लेके जाता रहता है, मतलब हमारी लाइफ को लेके जाता रहता है। बेसिकली आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, अपने मन को कंट्रोल करने फोकस ले रखना है, क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं हिल गया। कैपेबिलिटी आपके अंदर बहुत है, मल्टी टैलेंटेड भी आप बहुत हैं, लेकिन शायद जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है कहीं ना कहीं आपको ये लग रही है कि वो छोटी हैं, फुलफिल नहीं करेंगी आपके ड्रीम्स को। बट कई बार ऐसा होता है ना, इंसान छोटे से शुरू करता है, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही छत तक पहुँचता है। तो यही है, बिजनेस आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ता आपको मिल नहीं रहा है, और आप अपनी व्यूज पे बहुत रिजिड हो रहे हैं। रिजिडनेस को अगर आप हटा देंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जो आपके मन का पसंद का बिजनेस है वही आप कर पाएंगे। छोटे से शुरू करिए, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट मत करिए। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जिसका इन्वेस्टमेंट कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, तो वो आपको फॉलो करना है। और जो भी आपका क्रिएटिव आइडियाज है उनको एक्शन में लाइए। किसी बड़े को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, या किसी सीनियर को जिस पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप में करते हैं या उसकी सलाह लेके एसोसिएशन में करते हैं, थोड़ा सा उसके लिए आपको अपना ईगो त्याग कर थोड़ा सा गुड लिसनिंग वाली हैबिट डालनी पड़ेगी। वो आप करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा, इतना फ्लरिश करेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब कि आपका मनी, लग्जरी, जो भी चीज़ आज तक आपने सपने देखे ना, जो भी आप चाहते हैं अचीव करना, वो आपको मिलेगा। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या चीज़ फॉलो करनी है? स्टबननेस को थोड़ा छोड़ना है, रिजिडनेस को थोड़ा छोड़ना है। अगर आप स्टबन नहीं भी हैं तो रिजिडनेस, मतलब कि एक बहुत ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉइंट से आप चल रहे हैं। माइंड को कंट्रोल करना है, फोकस रखना है, जो शुरू कर दिया वो शुरू कर दिया, उसमें पीछे नहीं हटना है। और बहुत जल्दी रिजल्ट्स की मत सोचिए, बीज डालना शुरू कर दीजिए, उसमें से फल फूल सब फटने शुरू होंगे। और एक्शन में लाइए अपने प्लान को, किसी जानकार की, सीनियर की, जिस पे आप कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी आप सलाह लेके काम करिए एसोसिएशन में, और ये आपका 100% सक्सेसफुल होगा। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बताइए आप कौन से टॉपिक्स पे और पिक कार्ड रीडिंग्स चाहते हैं, मैं उन पे लेकर आऊँगी। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।